नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी और शनिवार का दिन है। नवमी तिथि आज सुबह 8:07 तक रहेगी। आज देर रात 3:55 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके अलावा आज शाम 5:32 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा के पहले भविष्यवाणी युद्ध की। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि दुनिया के नक्शे पर इस युद्ध का आर्थिक असर क्या होगा। तो आज जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, यूक्रेन में जो कुछ भी हो चुका है या दुनिया के पर्दे पर अभी जो कुछ भी हो रहा है, उसको देखते हुए काल पुरुष की जन्मपत्रिका में वृष राशि में वृष लग्न में दूसरे स्थान पर राहु, तीसरे पर चंद्रमा, आठवें पर केतु, दसवें घर में शनि मंगल और शुक्र, और साथ ही गुरु सूर्य बुध एकादश स्थान पर। काल पुरुष की जन्मपत्रिका में भाग्येश गुरु एकादश हैं, यानी कि लेकिन साथ ही वो व्ययेश भी हैं, यानी संसार भारी व्यय से गुजरे। ये भी ध्यान रहे कि अभी गुरु का गोचर गुरु अस्त है और अपने ही पूरा भाद्रपद नक्षत्र में है। गुरु के अस्त होने के कारण विश्व अर्थ तंत्र अस्त है, अस्त प्राय है, अस्त है, अस्त होकर उदित होने की प्रतीक्षा में है। यानी दुनिया का अर्थतंत्र इस समय डामाडोल स्थिति में है, लोग भ्रम की स्थिति में है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने पैसे को किधर ले जाएं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में उछाल, चांदी और सोने की कीमतों में उछाल। चांदी और सोने पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग क्रिप्टो करेंसी को ही करेंसी मानने लगे, ऐसी स्थिति बन सकती है, बहुत से देशों की मुद्राएं लड़खड़ा जाए। ये बात हम आपको लगातार कहते चले आ रहे हैं, एक बार फिर दोहरा दें, विश्व की आज की स्थिति में ऐसे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में भारत की जनपत्रिका में अगर आप देखें तो लग्न में राहु और सप्तम स्थान पर केतु है, और भारत के भाग्य स्थान पर शनि मंगल शुक्र, और भारत के दसवें घर में गुरु सूर्य बुध, भारत की इकोनॉमी को विशेष खतरा नहीं है। थोड़ा बहुत खतरा जरूर है क्योंकि नवे घर में मंगल और शनि दोनों हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि शनि भारत की जनपत्रिका का भाग्येश है और स्थानाधिपति है, और मंगल नवे घर में तो है लेकिन उच्च का है, लेकिन मंगल वृष लग्न की जलपत्रिका में हमेशा अकारक होता है। इसलिए अकारक होते हुए भी ये आपको हानि न पहुंचाए, क्योंकि स्थानाधिपति शनि वही बैठा है, वैसे शनि मंगल से सदैव परास्त है, लेकिन इसका जो असर आपको मकर या आपको मकर राशि से प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, वैसा भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगा। भारत में चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी, जब दुनिया में बढ़ेंगी तो भारत में भी बढ़ेंगी, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन कम रहेगा, भारत की जीडीपी पर भी ज़्यादा असर नहीं आएगा, और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत के अलावा जिन देशों की जनपत्रिका हमें डिस्कस करनी चाहिए, जो उचित है, जिनके चर्चा करना आवश्यक है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जर्मनी। देखिए, हम रूस की बात नहीं कर रहे, हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। अगर गौर करें तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस की दृष्टि से जर्मनी हमेशा से एक ऐसा केंद्रीय बिंदु रहा है, जिस केंद्रीय बिंदु के इर्द गिर्द दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस मूव करते हैं, और ये आज से नहीं है। 1872 में बिस्मार्क ने जब ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एता किए थे, उस समय जो ग्रह स्थिति बनी थी जर्मनी की जनपत्रिका में, जर्मनी की भूमि पर, अब वैसी ही एक स्थिति बन रही है, और जर्मनी को वैसे ही चांसलर की आवश्यकता है इस समय। अगर कोई बिस्मार्क जैसा चांसलर मिल गया तो यकीनन जर्मनी ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एता दोहराएगा, और विश्व मुद्रा बाजार में जर्मनी की स्थिति बेहतर और सुदृढ़ होगी। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। जर्मनी की आप जानते हैं कन्या लग्न है, लग्न में मंगल है, थर्ड हाउस में चंद्रमा है, वो भी नीच का है, और नाइन्थ हाउस में गुरु है, शुक्र बुध और सूर्य सबके सब पंचम स्थान पे डिसीजन मेकिंग पे हैं, उच्च का राहु राज्य का भाव में, और उच्च का केतु चौथे घर में शनि के साथ।
हालांकि चौथा शनि बड़ा कष्ट देता है, उसने जर्मनी को हमेशा बड़ा कष्ट दिया, लेकिन ध्यान रहे कि जर्मनी के लिए ये समय आर्थिक दृष्टि से संकट भरा नहीं होगा, जैसे कि भारत की स्थिति भी हमने आपको बताई। दुनिया में तेजी आएगी तो भारत में भी तेजी आएगी, लेकिन जर्मनी कुछ मामलों में बड़ी अच्छी अलायंसेस करने की स्थिति में आ रहा है और अप्रैल तक वो स्थिति और भी ज़्यादा साफ हो जाएगी। दूसरा जो कंट्री इम्पॉर्टेंट है इस समय वो है पोलैंड, क्योंकि यूक्रेन से लगी हुई बाउंड्री है, 2 मिलियन के आसपास वहाँ शरणार्थी होने की उम्मीद है और उनकी उनको फीड करना, हालांकि उसके लिए उसको मदद भी मिल रही है, लेकिन फिर भी पोलैंड की इकोनॉमी अपने आर्थिक क्षरण की ओर जाएगी। सिंह लगने वाली पोलैंड की जनपत्रिका में लग्नेश तीसरे स्थान पर नीच का है, सूर्य बुध थर्ड हाउस में, गुरु एकादश और केतु दसवें, बुध राहु चौथे, मंगल पांचवें, चंद्रमा छठे हैं, जिनमें से गुरु चलित चक्र में आगे जा रहा है, केतु चलित चक्र में आगे जा रहा है, बुध राहु चलित चक्र में पांचवें जा रहे हैं, शुक्र और सूर्य ये दोनों ही चलित चक्र में चौथे जा रहे हैं। चलित चक्र में जो 3 ग्रह अपनी जगह से नहीं हट रहे हैं वो हैं शनि, मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा व्ययेश है, तो इसका व्यय तो लगातार बढ़ना ही है, क्योंकि इसकी जो महादशा और अंतर्दशा है उसके मुताबिक शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा 27 सितंबर 2021 से 27 ग्यारह 2024 तक क्रमशः पोलैंड की आर्थिक स्थिति को थोड़ा क्षीण करेगी। पोलैंड को अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए शुक्र और शनि के उपाय करने चाहिए। और अब बात करेंगे एक और कंट्री की जिसकी नॉर्मली चर्चा कम होती है, वो है बेलारूस। बेलारूस 25 अगस्त 1991 जन्मस्थल मिन्स्क, वृष लग्न, इस समय गोचर का मंगल शनि सब भाग्य स्थान पर, अभी चंद्रमा इसके जब प्रादुर्भाव हुआ उस समय 10th हाउस में, प्रादुर्भाव के समय गुरु सूर्य बुध और शुक्र चौथे घर में, मंगल पांचवें घर में, केतु नीच का होकर 2nd हाउस पर और राहु नीच का होकर 8th हाउस पर, तो कुटुंब के आंतरिक कलह के कारण बेलारूस की इकोनॉमी में कुछ उपद्रव होंगे। बेलारूस में क्रिप्टो करेंसी जोर पकड़ेगी और बहुत जोर पकड़ेगी। अब एक और कंट्री जो यूक्रेन, यूक्रेन की बात बाद में कर लेंगे, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 2nd हाउस में शनि मंगल, बड़ी चतुराई बरतेगा, बड़ी बुद्धिमत्ता बरतेगा, लेकिन सबसे पहला असर इसी पर पड़ा था और सबसे अंतिम असर इसी पर रहेगा। तो यूके में चीजें बड़ी बड़ी ड्रास्टिकली बहुत मार्केट बढ़ती दिखाई देगी, यूके की इंडस्ट्रीज और यूके की जो तमाम चीजें हैं उनमें बड़े बड़े जोशीले परिवर्तन होंगे। अच्छा, यूके का जिन चीज़ों का फ्रांस से अलायंस है उन चीज़ों के फ्रांस से यूके की तरफ शिफ्ट होने की उम्मीद है, भले ही यूके महंगा होता चला जाए बट इट विल बी सेफर देन फ्रांस, ये फ्रांस के मुकाबले सुरक्षित होगा। तो जो फ्रांस में है, अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो ब्रिटेन में भी काम करती है, फ्रांस में भी काम करती है, तो उसके बहुत से मुख्यालय फ्रांस से ब्रिटेन शिफ्ट कर दिए जाएंगे, बहुत से उसके पार्ट्स फ्रांस से ब्रिटेन शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ब्रिटेन की वैल्यू बढ़ जाएगी जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, क्योंकि फ्रांस की आर्थिक स्थिति हम लोग एक आध दिन में चर्चा करेंगे, फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खतरनाक होगी पूर्व की तरफ से, वो जो उसका पूर्वी हिस्सा है वहाँ से उसको हिट होगा और उसकी वजह से, अच्छा फ्रांस अपने अंतर्विरोधों से भी जूझ रहा है और पूर्वी हिस्से से हिट भी होगा और फ्रांस की इकोनॉमी और फ्रांस के इत्र बाजार पर सबसे ज़्यादा असर आने जा रहा है और फ्रांस के इत्र बाजार का बहुत बड़ा शेयर यूके खींचने जा रहा है। यूके की जलपत्रिका के चौथे घर में उच्च का शुक्र है और इस समय यूनाइटेड किंगडम के लिए चूंकि इनकी जलपत्रिका में गुरु थर्ड हाउस से 4th हाउस आ जाएगा अभी 13 अप्रैल 2022 को और इसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा व्यापार को, तो व्यापार का विकास होगा, गर्मी रहेगी, तेजी रहेगी, महंगाई रहेगी, मतलब कभी कभी आपने देखा है ना कि बारिश हो रही है और सूरज भी निकला हुआ है, तो यूके के लिए ऐसी स्थिति रहेगी, बारिश होगी लेकिन सूरज भी निकला हुआ होगा।
तो व्यापार की स्थिति में निश्चित रूप से यूके में तेजी होते हुए भी व्यापार में वृद्धि, इकोनॉमी अप डाउन करती हुई तेजी से, लेकिन व्यापार में वृद्धि के बावजूद चीजें लगातार इंटरनल डेवलपमेंट होता रहेगा यूके में। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या यजयज योग की, तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 13 मार्च की सुबह 10:22 से रात 8:06 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की, तो ये योग भी आज नहीं है। अब ये योग कल यानी कि 13 मार्च की रात 8:06 से अगली सुबह 6:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 मार्च की दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर पहले 11:38 से रात 9:00 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च को दोपहर पहले 11:38 से रात 9:00 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक, और एक बार फिर रात 11:12 से अगली सुबह 5:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 20 मार्च की सुबह 6:56 से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक, और फिर रात 11:12 से अगली सुबह 5:17 तक रहेगा। और अब बात आती है शुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों के मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 13 मार्च की सुबह 5:29 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:33 से दोपहर पहले 11:02 तक। मुंबई सुबह 9:49 से दोपहर पहले 11:19 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:35 से दोपहर पहले 11:04 तक। लखनऊ सुबह 9:18 से 10:47 तक। भोपाल सुबह 9:09 से 10:38 तक। कोलकाता सुबह 8:48 से 10:17 तक। अहमदाबाद सुबह 9:50 से दोपहर पहले 11:20 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:19 से 10:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। लॉ की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन
बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन मौज मस्ती से भरा रहेगा। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों के लिए आज प्रमोशन के योग बने हुए हैं। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज आपके व्यापार में अधिक मुनाफा होने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे। आज शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, दोस्ती मजबूत होगी। आज बिजनेस की गति बढ़ेगी। अगर आज आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर नया बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों के मन में आज नए नए विचार आएंगे। आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। आज परिवार में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को किसी सामाजिक समारोह में जाना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस राशि के लवमेट्स आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाएंगे। आज घर में नन्हे मेहमान के आने का योग बन रहा है। ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को आज कोई ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, सतर्क रहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आज आप अपने स्वभाव में बदलाव करेंगे। आपके बदले हुए स्वभाव से परिवार वाले प्रसन्न होंगे। आज के दिन किसी करीब कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से आज आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। कई दिनों से चल रही उलझन आज अपने जीवन साथी के साथ शेयर करेंगे, इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आज अनुभवी लोगों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्मिक तरफ रहेगा। मंदिर जाने या किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बनाएंगे। विरोधी आज आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनको असफल कर देंगे। आज घर के किसी कन्या को बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के अविवाहित लोगों को आज विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करने वालों को आज मन मुताबिक फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। राजनीति से जुड़े लोग आज बड़ी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने की जरूरत है। आज आपका आर्थिक पक्ष सामान्य रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़े हुए ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। इस राशि के नव विवाहित आज किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज किसी प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ मिलेगा। आज संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। पढ़ाई में छात्रों के लिए यह समय जी जान लगाकर पढ़ने का है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज धार्मिक स्थलों की यात्रा का प्लान बनाएंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर है। किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। आज किसी अजनबी पर भरोसा न करें। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें। साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। कई दिनों से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य आज पूरा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। व्यापार में किसी बड़ी कंपनी से डील फाइनल होगी। अगर कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें। आर्थिक स्थिति आज पहले से काफी मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है।
अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर नया बिजनेस शुरू करेंगे तो फायदा होगा। बच्चों के करियर के लिए आज लोग आपसे सलाह लेंगे। आज दूसरों के मामले में दखल तभी दीजिए जब आपसे दखल मांगा जाए, आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी राय दीजिए। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर बॉस आपको थोड़ा समझाए बुझाएंगे, मार्गदर्शन देंगे। परिवार में छोटे भाई से किसी बात पर चर्चा होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है, जिनका जन्मदिन है वो आज केसर का तिलक लगाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को नमस्कार करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों व्यापार के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक धन लाभ होगा। मूलांक 2 घर में धार्मिक अनुष्ठान कराएंगे जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। मूलांक 3 आज का दिन माता पिता के साथ बिताएंगे, आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 4 आज कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूलांक 5 आपके किसी निजी काम में दोस्तों की मदद मिलेगी जिससे काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 6 ऑफिस में बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे, साथी को जरूरत का सामान गिफ्ट करेंगे। मूलांक 7 नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज आपकी तलाश खत्म होगी। मूलांक 8 जो लोग कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। मूलांक 9 बिजनेस में सोच समझकर फैसला लेने से आपको अच्छा फायदा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल के वेटिंग रूम या लॉबी और कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होटलों में कमरों के अलावा अलग से जगह छोड़ी जाती है जहां बहुत से लोग आराम से बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं या कोई मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। इन जगहों को वेटिंग रूम, लाउंज या कॉन्फ्रेंस हॉल कहते हैं। होटल में वेटिंग रूम या लॉबी के लिए बाहर बगीचे में भी जगह छोड़ी जा सकती है या फिर होटल के अंदर ही एक बड़े हॉल जितना स्पेस छोड़ा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वेटिंग रूम या लॉबी के लिए उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव करना बेहतर ऑप्शन होता है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए उत्तर, पूर्व और नॉर्थ ईस्ट कोण का चुनाव करना अच्छा होगा। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा होटल में वेटिंग रूम या लॉबी या कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नौमी और शनिवार का दिन है। नौमी तिथि आज सुबह 8:07 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 3:55 तक सौभाग्य योग रहेगा। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला योग है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। साथ ही नाम के अनुरूप ये भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला भी है। माना जाता है कि इस योग के दौरान शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, यानी इस योग के दौरान हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। साथ ही आज पूरे दिन पूरी रात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रव योग रहेगा। इसके अलावा आज शाम 5:32 तक आदर नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। उन 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आंख में आने वाली आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज आर्द्रा नक्षत्र के दौरान शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा सौभाग्य योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुरुवायूर मंदिर के दर्शन। ये मंदिर केरल के त्रिशूर नामक स्थान पर बना हुआ है। मंदिर में भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है जिन्हें भगवान गुरुवायूरप्पन कहा जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर कई शताब्दी पुराना है। ऐसा भी माना जाता है कि गुरुवायूर मंदिर की स्थापना देवगुरु बृहस्पति और वासुदेव ने की थी। मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का भी वर्णन किया गया है। लोग दूर दूर से यहाँ भगवान गुरुवायूरप्पन के दर्शन के लिए आते हैं। और आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन।
और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे ऊपर की ओर से संकीर्ण और भौहों की तरफ से विस्तृत यानी चौड़े ललाट वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इनमें बुद्धि और विवेक की कमी होती है जिसके चलते ये अपनी बातों का ठीक से तर्क नहीं दे पाते। साथ ही ये लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं, ये आसानी से दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं और दूसरे लोग कब इनका फ़ायदा उठा लेते हैं इन्हें पता भी नहीं चलता। ये लोग मन से सरल, किसी काम के प्रति संतोष रखने वाले और परंपरावादी होते हैं। ये भाग्य पर अधिक विश्वास करते हैं और दूसरों के भरोसे अपना जीवन जीते हैं। सामुदायिक शास्त्र में ये थी चर्चा ऊपर की ओर से संकीर्ण और भौहों की तरफ से विस्तृत यानी चौड़े ललाट वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नौमी है। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौमी तिथि आज सुबह 8:07 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कल सुबह 10:21 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है, अतः आज सुबह 8:07 तक लौकी का सेवन करने से बचना होगा। उसके बाद आपको अगले दिन सुबह 10:21 तक कलम्बी के शाक का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय त्रैमे विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मात मात ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहे एहे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गरीब को भोजन कराएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।